हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरनाथ जायसवाल। आज मैं आपको विंडो नेटवर्किंग कमांड्स के बारे में बताऊंगा। अगर ये आप कंप्यूटर यूजर्स हैं और या किसी कंपनी में आप नेटवर्क इंजीनियर या डिस्टर्ब इंजीनियर हैं तो आपको नेटवर्क की ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती होगी। अगर कभी नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाता है या इंटरनेट नहीं चलता है तो विंडोज में कुछ ऐसे बेसिक कमांड्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी या नेटवर्क की कनेक्टिविटी को आप ट्रबल शूट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ है। तो आइए बताते हैं उन सब बेसिक कमांड्स के बारे में कि आप कैसे उनको यूज कर सकते हैं। जैसे एक कमांड है ट्रेस रूट, जिसको नॉर्मली किसी भी सोर्स टू डेस्टिनेशन नेटवर्क की रूट देखना होता है या आपको देखना होता है कि ये हमारा पैकेट किस रूट से होते हुए पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में जा रहा है। तो उसके लिए आपको ट्रेस आरटी कमांड यूज करना होता है या उसका एक अल्टरनेट कमांड है पाथ पिंग। दोनों कमांड सेम है, थोड़ा सा सिंटेक्स में चेंज है। तो आपको आते हैं तो बताते हैं कि ट्रेस रूट कमांड को कैसे यूज करते हैं। जैसे ट्रेस आरटी स्लैश क्वेश्चन मार्क कर देंगे तो आपके सिंटेक्स और उसके ऑप्शंस के बारे में मिल जाएगा। और उसके बाद दूसरा कमांड यूज करेंगे, जैसे कि आपको गूगल को आपको सोर्स में अगर पैकेट सेंड करना चाह रहे हैं और चेक करना चाहते हैं कि ये किस किस रूट से जा रहा है तो आप ट्रेस आरटी गूगल डॉट कॉम आप टाइप करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप हर गेटवे से आपकी जो पैकेट सेंड हो रहा है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। तो ये आपने हमने देखा कि हर गेटवे स्टेप है, अगर हम गूगल को पिंग करते हैं या हमारी पैकेट गूगल को ब्राउज करते हैं या तो आप हमारी जो रिक्वेस्ट होती है किस किस गेटवे के थ्रू हमारा रिक्वेस्ट गूगल के सर्वर तक पहुंचता है और गूगल से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। तो इस तरह आप गूगल का या किसी भी पर्टिकुलर आईपी का या आप किसी भी साइट का आप पाथ चेक कर सकते हैं ट्रेस आरटी के थ्रू या आप पाथ पिंग कमांड यूज कर सकते हैं। इसी तरह एक दूसरा कमांड पिंग। पिंग बहुत जनरल कमांड है और नॉर्मली हर कोई यूजर ये जानता है कि पिंग जो है आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करने के लिए होता है या किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की कनेक्टिविटी या आप अपने होस्ट कंप्यूटर से गेटवे को की पिंग चेक करना चाहते हैं। तो पिंग जो है आपकी नेटवर्क की कनेक्टिविटी रिचेबिलिटी एंड नेम रेजोल्यूशन को चेक करता है। इसे आपका नेम टू आईपी, आईपी टू नेम को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर कहीं आपको पर्टिकुलर होस्ट नेम है या कोई डोमेन नेम है तो उसकी अगर आईपी जानना। आइए देखते हैं कि पिंग को कैसे चेक कर सकते हैं, इसका यूज करते हैं कनेक्टिविटी चेक करने के लिए।
जैसे नॉर्मली अगर उसका आपका पिंक का सिंटेक्स और उसकी हेल्प लेना चाहते हैं तो स्लैश और क्वेश्चन मार्क लगा के इंटर करेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स उस कमांड की आ जाएगी। और आप गूगल की कनेक्टिविटी चेक करना चाहता है कि गूगल सर्वर चल रहा है या नहीं, या इससे आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी भी चेक हो जाएगी और गूगल सर्वर भी या पर्टिकुलर डोमेन भी चेक हो जाएगा। और इसी तरह आपका माइनस टी हाइफन टी यूज करते हैं कि कंटिन्यूस वो रिप्लाई आता रहेगा, और इससे कंटिन्यूस रिप्लाई को आप ब्रेक करने के लिए आपको कंट्रोल सी यूज करेंगे तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। और अगर आप जैसे बाय डिफॉल्ट ये 32 बाइट्स का पैकेट सेंड करता है कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, अगर आपको जो है कि ज़्यादा पैकेट सेंड करके आप चेक करना चाहते हैं कि ज़्यादा पैकेट सेंड करके, तो आपको हाइफन एल और पैकेट साइज आप डिफाइन करके आप चेक कर सकते हैं कि कनेक्टिविटी उसके बारे में, कि आपको इससे पता चल जाए कि आपकी टीटीएल और टाइम कितना लग रहा है। इससे आपकी कनेक्शन की जो बैंडविड्थ का स्टेटस पता चल जाता है। इसी तरह एक और कमांड यूज होता है एआरपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल उसके बोलते हैं। इसमें क्या है जो है इथरनेट का जो है आपके जो इथरनेट पे जो आईपी टू मैक एड्रेस जो कैश पर्टिकुलर नेटवर्क इंटरफेस पे स्टोर्ड होते हैं आईपी टू मैक एड्रेस, तो उस पे आप चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर नेटवर्क इंटरफेस में कैश एड्रेस है कौन कौन से हैं। तो उसके लिए ये बहुत सिंपल से कमांड है। जैसे एआरपी हाइफन ए टाइप करेंगे तो हर इंटरफेस पे एसोसिएटेड जितने भी मैक एड्रेस और आईपी होते हैं वो आपको दिख जाएंगे। आप यदि आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक इंटरफेस पे आप का ये कैश स्टेटस देखना चाहते हैं इंटरफेस का, तो आप वो हाइफन एन लगा के आप उस पर्टिकुलर इंटरफेस की आईपी टाइप करने से वो पर्टिकुलर इंटरफेस की डिटेल निकल जाएगी। और कोई आपको स्टैटिक कैश की एंट्री करनी होती अगर करनी है तो एआरपी हाइफन यस और आईपी एड्रेस स्पेस मैक एड्रेस को टाइप करने के बाद वो स्टैटिक एंट्री हो जाएगी। तो इस तरह आपके इंटरफेस पे स्टोर्ड आईपी एंड रिलेटेड मैक एड्रेस जो स्टोर होते हैं वो आप देख सकते हैं एआरपी की कमांड की हेल्प से। इस तरह के एक और कमांड है नेट स्टैट। नेट स्टैट से नाम से ही क्लियर होता है कि आपके इंटरफेस का नेटवर्क इंटरफेस का स्टैट्स स्टैटिक्स देखने के लिए, इसमें जैसे होता है कि पर्टिकुलर इंटरफेस की आपकी राउटिंग टेबल उसकी स्टैटिक्स और की देखना चाहते हैं, और लाइव कनेक्शंस उस इंटरफेस से जो भी लाइव कनेक्शन चल रहे हैं वो पता चल जाएगा कि कौन कौन से कनेक्शंस लाइव हैं और उसकी पर्टिकुलर किस पोर्ट पे वो लिसनिंग हो रहा है इस्टेब्लिश है कि नहीं है। तो ये बहुत अच्छा कमांड ये है आपको लाइव कनेक्शन देखने के लिए कि बैकग्राउंड में हमारे कंप्यूटर के बैकग्राउंड में कौन कौन से कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हैं। जैसे कि इस डिटेल देखने के लिए आपको स्लैश क्वेश्चन मार्क करके आप डिटेल देख सकते हैं इस कमांड का। और अब देखना है कि लाइव कनेक्शन देखना चाहते हैं तो नेट स्टेट स्पेस हाइफन ए यूज करेंगे तो ऑल लाइव कनेक्शंस आपको दिख जाएंगे जितने भी टीसीपी और यूडीपी कनेक्शंस होंगे। और अगर आपके नेटवर्क इंटरफेस का और राउटिंग टेबल देखना चाहते हैं तो माइनस हाइफन आर यूज करेंगे तो सभी इंटरफेस के राउटिंग टेबल आपको मिल जाएंगे। और आप अगर ये चाहते हैं कि जो भी कनेक्शंस हैं
और जो आईपी डिस्प्ले कर रहे हैं, अगर उसका फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम के साथ आप जाना चाहते हैं तो नेट स्टेट्स हाइपन ए हाइपन यप टाइप करेंगे तो कुछ जितने भी आईपी एड्रेस होंगे, अगर उनकी फुली क्वालिफाइड नेम होंगे तो वो आपको फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम के साथ डिस्प्ले कर देंगे। यस, देखिए यहाँ पे इन हाइपन टेल्ड इस तरह की उस पर्टिकुलर आईपी का अगर डोमेन है तो वो डोमेन डिस्प्ले कर देगा, जिसका नहीं होगा तो वो उसका नहीं डिस्प्ले करेगा। इसी तरह एक दूसरा कमांड यूज करते एनबीटी स्टेट डिस्प्ले नेट बायस ओवर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैटिक्स। इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर नेम या पर्टिकुलर नेटवर्क का नेम या आईपी, उसका स्टेटस देखना, वर्क ग्रुप देखना होता है, या नाम चेक करना होता है, या आईपी चेक करना होता है, तो एनवीटी स्टेट के थ्रू अपने नेटवर्क का नेम और आईपी चेक कर सकते हैं। जैसे जैसे कमांड यूज करते हैं एन बी टी स्टेट माइनस हाइफन ए और किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर का नेम आप टाइप कर देंगे, जैसे कि एडमिन हाइफन पीसी मैंने नाम दिया तो उसका नेम टाइप और स्टेटस आ गया, जिसमें एडमिन डैश हाइफन पीसी वर्क ग्रुप एडमिन, तो ये डिटेल आ गया। उसी तरह आप जो है, अगर आप पर्टिकुलर कंप्यूटर या पर्टिकुलर नेटवर्क डिवाइस का अगर आईपी टाइप करना करेंगे तो उसका भी डिटेल इस तरह निकल जाएगा। यस, देखिए, और उसका मैक एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। इसी तरह एक और कमांड होता है आईपी कॉन्फिग। आईपी कॉन्फिग बहुत ज़्यादा यूज होता है और काफ़ी इसको सभी लोग जानते हैं, जो भी कंप्यूटर यूजर होते हैं या नेटवर्क इंजीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इंजीनियर, तो आईपी कॉन्फिग का यूज जानते हैं और काफ़ी यूजफुल होता है। आपको अपने इंटरफेस पे या अपने नेटवर्क कार्ड पे उसकी आईपी चेक करने के लिए कि कौन कौन से है, उसका आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे और डीएनएस की जानना होता है, रिलीज करना होता है, रिन्यू करना होता है। काफ़ी कमांड ऐसे होते हैं जो ये आईपी कॉन्फिग के थ्रू आपको डिटेल्स, आईपी की डिटेल्स मिल जाती है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको यूज करेंगे। आईपी कॉन्फिग की अगर डिटेल देखना है तो आईपी कॉन्फिग स्लैश क्वेश्चन मार्क टाइप करेंगे तो सभी सिंटेक्स आईपी कॉन्फिग के मिल जाएंगे। उसी तरह अगर आप इंटरफेस के, अपने नेटवर्क इंटरफेस का अगर कॉन्फ़िगरेशन जानना चाहते हैं तो आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल कर देंगे तो आपका डिटेल मैक एड्रेस, आईपी, सबनेट मास्क, गेटवे, डीएचसीपी, डीएनएस की जितनी भी आईपी है वो आप उसकी डिटेल्स आ जाएगी। उसी तरह एक दूसरा, जैसे कि अगर आपके कंप्यूटर की में जो आईपी मिला हुआ उसको रिलीज करना चाहते हैं तो स्लैश रिलीज कमांड है तो वो आईपी को रिलीज कर देगा, जो कि गिव अप कर देता है आईपी, जो आईपी उसको मिला होता है डीएचसीपी सर्वर से वो फिर दोबारा रिटर्न कर देता है। और अगर उसको आईपी एड्रेस को दोबारा फिर चाहिए या रिन्यू करना होता तो स्लैश रिन्यू कमांड यूज करेंगे तो आपको आईपी डीएचसीपी सर्वर के थ्रू दूसरा आईपी मिल जाएगा। जैसे आपने देखा यहाँ पे एक दूसरे आईपी वो बस मिल गया। और अगर काफ़ी आपके कैश डीएनएस कैश है जो रिलीज, जो कि google.com में अगर टाइप करते हैं तो उसकी आईपी रिजॉल्व कर देता है, तो वो रिजोल्यूशन डीएनएस रिजोल्यूशन कैश कैश पड़ी हुई है रिजॉल्वर कैश, तो उसको अगर फ्लश करना है और उसको डिलीट करना, पर्ज करना है तो स्लैश फ्लश डीएनएस करेंगे तो फ्लश हो जाएगा।
और दोबारा फिर रजिस्टर कर देंगे, तो रजिस्टर डीएनएस कमांड टाइप करेंगे तो आईपी रजिस्टर हो जाएगी आपकी। तो इस तरह आप जो है आईपी कॉन्फिग कमांड का यूज आईपी डीटीएस के बारे में के जानने के लिए यूज कर सकते हैं। उसी तरह एक बहुत इम्पोर्टेंट कमांड है एनएस लुकअप। एनएस लुकअप जो ये होता है कि आपके पर्टिकुलर डोमेन का डिटेल्स जानना होता है, उसका नेम सर्वर जानना होता है, उसकी आईपी जाननी होती है, तो आप ये एनएस लुकअप कमांड यूज कर सकते हैं। जो कि एनएस लुकअप जो कमांड होता है वो हिट करता है आपके डीएनएस सर्वर पे, और डीएनएस सर्वर आपकी उस पर्टिकुलर डोमेन का डिटेल फाइंड आउट करके आपको डिस्प्ले कर देता है। जैसे जैसे अगर हमको देखना है कि याहू के सर्वर का उसको डिटेल देखना है, तो यहाँ से हम